दोस्तों अगर आप भी केएल राहुल को एक बेहतरीन कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक करना नहीं भूलेगा। दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 श्रृंखला में बराबरी के बाद अब भारतीय टीम वनडे श्रृंखला अफ्रीका क्लब अपने नाम करेगी या फिर जीत के साथ अफ्रीका टीम भारत पर कड़ा पलटवार करेगी। जी हां दोस्तों बिल्कुल सही सुन रहे हैं, भारत और अफ्रीका के बीच में 3 मैचों की टी20 श्रृंखला में बराबरी पर भारतीय टीम ने इस श्रृंखला को समाप्त किया। इसके बाद अब वनडे श्रृंखला की बारी है। आपको बताने वाले हैं भारतीय टीम पूरी तरीके से तैयार है अफ्रीका को चलने के लिए, तो आखिरकार भारत और दक्षिण अफ्रीका टीम के बीच में पहला वनडे महामुकाबला कब और कहां खेला जाने वाला है आपको बताएंगे। इसके साथ ही पिच रिपोर्ट, रिकॉर्ड और दोनों टीमों प्लेइंग 11 सहित बहुत कुछ आपको जानकारी इस ब्रांड रिपोर्ट में देने जा रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक देखना नहीं भूलिएगा। मगर उससे पहले आपको क्या लगता है केएल राहुल और संजू सैमसन में बेहतरीन विकेटकीपर बल्लेबाज कौन है? प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा जिससे लगातार हम आपके लिए क्रिकेट अपडेट लाते रहे। दोस्तों आपको बता दें भारतीय टीम और दक्षिण अफ्रीका टीम के बीच में 3 मैचों की टी20 श्रृंखला शानदार तरीके से समाप्त हो चुकी है। हालांकि इस टी20 श्रृंखला के अगर लेखा जोखे की बात करें तो पहला टी20 महामुकाबला बारिश कारण धुल गया था, इस महामुकाबले को नहीं खेला जा सका, रद्द घोषित हो गया था। तो आने वाले दोनों टी20 महामुकाबले दोनों के लिए करो या मरो या निर्णायक बन चुके थे। दूसरे टी20 महामुकाबले में बारिश कारण भारतीय टीम के गेंदबाज नहीं चल पाए और बुरी तरीके से 5 विकेट से भारतीय टीम को अफ्रीका टीम ने कुचलकर रख दिया। तीसरे टी20 महामुकाबले में भारतीय टीम के खतरनाक पलटवार की बारी थी। ऐसे में भारतीय टीम ने ऐसा खूंखार पलटवार किया, ऐसा चकनाचूर किया कि देखने के बाद अफ्रीका टीम के तो खून के आंसू रोने को मजबूर हो गए। तीसरे टी20 महामुकाबले में भारतीय टीम ने अफ्रीका को 106 रन के महाअंतर से हराकर यह बता दिया कि भारतीय टी20 टीम बेहद ज्यादा खतरनाक है। हालांकि इसमें सूर्यकुमार यादव घायल हो गए तो यह बेहद बड़ा झटका भारतीय टीम के लिए हो गया है। अब इसके बाद 3 मैचों की वनडे श्रृंखला है, भारतीय टीम अफ्रीका सरजमी पर खेलने वाली है, जिसके लिए अगर वनडे महामुकाबले की बात करें तो पहला वनडे महामुकाबला 17 दिसंबर 2023 को खेला जाने वाला है। दिन होने वाला है रविवार, यानी कि इस महामुकाबले की शुरुआत भारत समय अनुसार दोपहर को 1:30 से होगी और इसके लिए टॉस दोपहर को 1 बजे फेंका जाएगा। तो ऐसे में भारतीय टीम की जीत की उम्मीदें ज्यादा नजर आ रही है, मगर अफ्रीका को उसकी सरजमी पर टक्कर देना बेहद ज्यादा मुश्किल नजर आता है। वहीं पर दोनों टीमों के बीच खेले गए अगर वनडे इंटरनेशनल की रिकॉर्ड्स की बात करें तो 90 वनडे महामुकाबले दोनों टीमों ने एक दूसरे के खिलाफ खेले हैं, तो वहीं पर 37 वनडे महामुकाबले भारतीय टीम ने जीतने में सफलता हासिल की है, तो दक्षिण अफ्रीका ने 50 महामुकाबले में जीत दर्ज की है। तो वहीं पर 3 महामुकाबले बेनतीजा घोषित हुए। इसके अलावा दोनों टीमों के बीच में साउथ अफ्रीका की धरती पर 9 वनडे महामुकाबले खेले गए हैं, जहां भारतीय टीम ने 5 महामुकाबलों में जीत हासिल की है। इसके अलावा 3 वनडे महामुकाबले में अफ्रीका टीम ने शानदार जीत हासिल करके भारतीय टीम को चकनाचूर कर दिया है। अगर भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में अंतर्राष्ट्रीय महामुकाबलों की बात करें, दोनों टीमों ने उसकी धरती पर 37 महामुकाबले खेले हैं, जहां भारतीय टीम ने मात्र 10 महामुकाबलों में जीत हासिल की है, तो वहीं पर अफ्रीका टीम ने 25 महामुकाबले में जीत हासिल करके इतिहास रच दिया है। तो ऐसे में अगर बात करें तो 2 महामुकाबले बेनतीजा घोषित रहे थे, तो अफ्रीका टीम की बाजी उसकी सरजमी पर ज्यादा पावरफुल नजर आती है। वहीं पर यह महामुकाबला भारतीय टीम जोहान्सबर्ग शहर के वांडरर्स स्टेडियम में खेला जाने वाला है, जहां पर अब तक कुल 53 महामुकाबले खेले गए हैं। इस दौरान पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 23 बार और बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 30 बार जीत हासिल की है, जहां पर मैच का औसत स्कोर 241 रन का रहा है। तो इस मैदान पर भारत और अफ्रीका के बीच में 5 वनडे महामुकाबले खेले जा चुके हैं, जहां पर भारतीय टीम ने मात्र 1 वनडे में अपने नाम किया था, वहीं पर अफ्रीका टीम ने 4 वनडे महामुकाबले जीते हैं। तो इस मैदान पर अफ्रीका की बाजी ज्यादा मजबूत नजर आती है। पिच रिपोर्ट की अगर बात करें तो वांडरर्स स्टेडियम की पिच काफी ज्यादा बेहतरीन है, जहां पर टी20 सीरीज का अंतिम टी20 महामुकाबला खेला गया था, जहां पर देखने को मिल रहा था कि स्पिन को काफी ज्यादा मदद मिलती है, साथ साथ तेज गेंदबाजों को शुरू में मदद मिलती है। तो हालांकि बल्लेबाज अगर जम जाते हैं तो तूफानी बल्लेबाजी कर सकते हैं। तो वहीं पर मैच वाले दिन को मौसम की अगर बात करें तो यहां पर औसत तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है, जहां बारिश की संभावना 51% दिखाई दे रही है। तो बारिश के चलते हुए मैच में देरी हो सकती है या कुछ समय के लिए रोकना भी पड़ सकता है, तो ऐसे में दर्शकों को रुकावट के साथ मैच को देखने का मौका मिल सकता है। दोस्तों दोनों टीमों की अगर प्लेइंग 11 की बात करें, सबसे पहले विरोधी टीम अफ्रीका की टीम की तरफ नजर डालते हैं, जहां पर रिजा हेंड्रिक्स और राशि वंडर डुसे की पारी के रूप में शुरुआत देखने को मिल सकती है। मिडिल ऑर्डर में कप्तान एडन मार्करम, हेनरी क्लासेन और डेविड मिलर खेलते हुए दिखाई देंगे, जो अपनी तूफानी प्रदर्शन से किसी भी टीम को परेशान कर सकते हैं। तो वहीं पर ऑलराउंडर के रूप में एंड्रू फिलिकवाओ खेलने का मौका मिलेगा, जो कि गेंद और बल्ले के साथ बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं। वहीं पर गेंदबाज के तौर पर केशव महाराज, तबरेज़ शम्सी के रूप में 2 स्पिनर खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं, जबकि बर्गर और लिजर्ड विलियमसन के रूप में तेज गेंदबाजों को मौका मिलने वाला है। तो ऐसे भारतीय टीम के लिए किसी भी यह तूफान से कम नहीं होने वाले हैं। वहीं पर भारतीय टीम की अगर प्लेइंग 11 की बात करें तो भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में शुरुआत केएल राहुल और ऋतुराज गायकवाड़ करने वाले हैं, जहां पर बतौर ओपनर दोनों तूफान मचा सकते हैं। मिडिल ऑर्डर में आपको श्रेयस अय्यर, रिंकू सिंह और संजू सैमसन खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं, साथ ही साथ तिलक वर्मा भी इनका बेहतरीन साथ निभाते हुए नजर आने वाले हैं। अगर हम ऑलराउंडर की बात करें तो अक्षर पटेल के रूप में एक ऑलराउंडर को शामिल किया गया है, जबकि कुलदीप यादव बतौर स्पिनर की भूमिका निभाते हुए नजर आने वाले हैं, जिन्हें आखिरी महामुकाबले में टी20 में 5 विकेट लिए।
लिए थे। तेज गेंदबाज डिपार्टमेंट में दीपक चहर, मुकेश कुमार और रसदीप सिंह जैसे खतरनाक खिलाड़ी खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो यह तो भारतीय प्लेइंग 11 है, तो आपको क्या लगता है दोनों टीमों में पहले वनडे महामुकाबले में कौन जीतेगा? प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। धन्यवाद।